झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने आज रामगढ़ में कहा कि कोरोना महामारी के इस लॉकडाउन के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन डिजिटल पढ़ाई प्रारंभ की जाए, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। साथ ही साथ मेरा यह भी मुद्दा है कि जितने दिनों तक लॉकडाउन रहेगा तब तक निजी विद्यालय फीस ना ले, क्योंकि अन्य राज्यों ने भी लॉकडाउन में फीस नहीं लेने की बात कही है। इस मामले में एक कमेटी भी गठित हुई है। इस कमेटी का एक महीने में निर्णय आ जाएगा कि फीस लिया जाए अथवा ना लिया जाए। उक्त बातें झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने रामगढ़ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करने के दरमियान कही। इस मौके पर रामगढ़ विधानसभा की विधायक ममता देवी सहित जिले के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे, जिनसे मंत्री महोदय ने विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की। देखिए ऐसा है ना, निजी विद्यालय के फीस के बारे में हमने नियम बना दिया है विभाग की ओर से, ये आप जो विद्यालय बन रहे बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, बस नहीं चला है, बिजली आपका खपत नहीं हुआ है, पानी खपत नहीं हुआ है, तो सारा फीस कोरोना वायरस में जब तक स्कूल बंद तब तक फीस नहीं है, ये मेरा कहना। दूसरी बात है, हमने नियम बनाया है उसके बाद भी उच्च स्तरीय कमेटी बना दी है, दूसरे राज्य में भी नहीं लिया, यहाँ भी लोग नहीं ले, सभी लोग मदद कर रहे हैं, तो अभी अभिभावक को मदद कीजिए, ये मेरा मंशा है। कमेटी का जो निर्णय आएगा फिर विभाग तय करेगा। एक महीने के अंदर कमेटी का निर्णय आने वाला है कि फीस लेना है कि नहीं लेना, लेकिन दूसरे राज्य में नहीं लिया, दूसरे राज्य का भी हम लोग लिखे हैं उस पति को कि नहीं लेना। साल में घूम रहे हैं, इसका मकसद क्या है? ये मकसद है कि पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये विषय बार पढ़ाता समय का ही पढ़ा, समय साल में समय होता है, इतना समय में इतना चैप्टर पढ़ाया जाता है, उसी के लिए भारत सरकार के जो हमारे शिक्षा मंत्री ने डिजिटल पढ़ाई का जो ट्रस्ट दिए थे उसी को सभी जगह प्रसार प्रचार करने के लिए कल ग्रेड में हमने केवल शिक्षण पढ़ाई की शुरू की है, सभी जगह बोले कि आप शुरू कीजिए, किसी हालत में पढ़ाई बाधित नहीं है। न्यूजीलैंड्स चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है